झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हमेशा विवादों से घिरा रहता है। कोई भी परीक्षा एक बार में संपन्न नहीं हो पाती है। लंबे समय के बाद जैसे सीजीएल की परीक्षा ली गई, लेकिन यह परीक्षा शुरू होने से पहले ही मोबाइल फोन पर पूरा सवाल घूमने लगा। इसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा पत्र पहले ही लीक हो चुका है। सोशल साइट पर परीक्षा को रद्द करने की मांग उठने लगी, जिसके बाद जेएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तृतीय पाली में ली गई सामान्य ज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया है। दरअसल रविवार को ही झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई। परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए, लेकिन तमाम इंतजाम पर पानी फिर गया। हर बार की तरह इस बार भी छात्रों के भविष्य पर कदाचार करने वालों की तलवार लटक गई। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, छात्र सोच में पड़ गए। आखिर सालों साल परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए हर कुछ त्याग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब परीक्षा होता है तो कुछ लोग पिछले दरवाजे से इसका पेपर लीक कर देते हैं। इस मामले में सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बात अगर झारखंड सरकार की करें तो पिछले साल ही झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 लेकर आई थी, जिससे परीक्षा में चोरी पेपर लीक जैसे मामले को रोका जा सके। लेकिन सरकार की ओर से किए गए तमाम इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी द्वारा रविवार को आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आंसर शीट जारी की है, साथ ही व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्रों को परीक्षा के पहले ही सामने आने की बात आ रही है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित यह परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई है, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, पूरी परीक्षा में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कानूनी कार्रवाई में फंसने के डर से युवा इस परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही ट्विटर एक्स हैंडल पर कई छात्र व संस्थानों ने भी पेपर लीक की बात लिखी हुई है। एग्जाम फाइटर लिखते हैं, लाखों में फॉर्म भरवा लेना या नियमावली को बना देना ही सरकार की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपलब्धि यह भी होती है कि यह जो लाखों बच्चे जो परीक्षा देने जाते हैं उनकी परीक्षा की सूची भी बरकरार रहनी चाहिए, अन्यथा झूठा दम भरने का कोई मतलब नहीं है। आज की परीक्षा में जो हुआ वो प्रथम दृष्टया एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। पेपर का परीक्षा के पहले वायरल होने ये पूरी तरह से जांच का विषय है। सरकार को सिर्फ नियमावली बनाने और लाखों की संख्या में फॉर्म भरने का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आज जो हुआ उसका भी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही लेना चाहिए। अभिषेक पाठक लिखते हैं, एग्जाम पूरी तरह रद्द होना चाहिए 28 और 4 को भी, क्योंकि आज ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा ही हो सकता है। एग्जाम पे होल्ड लगना चाहिए और किसी अच्छे एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा और सीबीआई जांच होना चाहिए। त्रिनेत्र सिन्हा लिखते हैं, हमारा लोकतंत्र से भरोसा उठ गया, धन्यवाद आप सबका। सीबीआई जांच न हुआ तो कोई मतलब ही नहीं गवर्नमेंट और सिस्टम का। बस हम छात्रों का दिमाग अब एक ही बात आएगा कि पैसा कमाना है कहीं से भी गलत ढंग से सही। जॉब के लिए बाकी कई लोगों ने भी अपनी अपनी राय लिखे हैं। जेएसएससी को लेकर और एग्जाम को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलता हूं अगली कड़ी में। जोहार।